हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्री एच एकेडमी। आज हम बात करेंगे आईसीआर रिजल्ट 2020 के बारे में। कुछ अपडेट ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, सर आईसीआर जब रिजल्ट आएगा तो परसेंटाइल बेस पर मार्क्स आएंगे कि रैंक आएगी, इस पर बात करेंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, सर अब आप कोई आईसीआर को लेकर के कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। एक्चुअली वीडियो क्या बनाएं, एनटीयू को लेकर के हम ही दुखी नहीं हैं, शायद मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे सब दुखी होंगे जिन्होंने आईसीआर एग्ज़ाम दिया हुआ है। एनटीयू एजेंसी मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से केवल नीट और जेई पर ही फोकस करने लगी है, शायद उधर से उसको बहुत लंबी मोटी रकम मिलती हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एनटीयू एकदम बिक चुकी है। ठीक, जिस तरीके से आप खुद देख रहे हैं कि 13 सितंबर में नीट का एग्ज़ाम हुआ था, एनटीए ने 16 अक्टूबर की डेट में उसका रिजल्ट जारी करके उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी है, लेकिन आईसीआर एग्ज़ाम बारे में उस पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप कॉल भी करेंगे एनटीए ऑफिस में तो वहाँ के काउंसलर आपसे सीधा बोलते हैं रिजल्ट आज शाम तक आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, और तेज़ अगर आवाज़ पूछेंगे तो फ़ोन काट देते हैं। अब उनको क्या मालूम है कि रिजल्ट कब आएगा, तो वो तो रिजल्ट वहाँ पर जो हेड हैं उनको ये चीज़ जिम्मेदारी जो है वो समझते हैं चीज़ को, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का कोरोना केवल एनटीयू ऑफिस में घुसा हुआ है, मुझे यही लग रहा है, केवल आईसीआर के लिए, बाद बाकी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, अब सवाल यह है कि मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे हैं, है क्या प्रॉब्लम कि कई स्टेट में एग्ज़ाम हो चुके हैं और एग्ज़ाम होने के बावजूद भी वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे जेट का एग्ज़ाम राजस्थान में हो चुका है, बीसीसी इंटरेस्ट बिहार में हो चुका है, यूपी कैटेट हमारे उत्तर प्रदेश में हो चुका है, उत्तराखंड में जीवी पंत में मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो चुके हैं, कई स्टेट में एडमिशन हो चुके हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी आईसीआर के रिजल्ट लोग वेट इसलिए करते हैं चूँकि आईसीआर बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू इंडिया किसी यूनिवर्सिटी में हम जा सकते हैं, शायद अगर स्टेट में नहीं हुआ हो तो एक शायद एक चांस ऐसा बच जाए कि हमारी साल बचे और हम ड्रॉप ना लेकर के एक साल मतलब बीएससी एग्रीकल्चर आईसीआर थ्रू कर सकते हैं। ये सवाल सभी लोगों का है और हमारा भी है और हम दुखी नहीं हैं, शायद सभी दुखी हैं इस बात को लेकर के, लेकिन एनटीए रिजल्ट नहीं जारी कर रही है। एनटीए अभी हाल ही में एक नोटिस दिया था 29 अक्टूबर में, आपको अगर याद हो, क्योंकि रिजल्ट जो आता है वो फाइनल आंसर की के बाद, अगर फाइनल आंसर की आज अगर है दो दिन में रिजल्ट उसका जारी कर दिया जाता है। अभी तक जो रिकॉर्ड रहा वो पुराना रिकॉर्ड अगर देखें हम लोग आईसीआर रिजल्ट को लेकर के, तो 2019 में जो पेपर हुआ था 1 जून को, 15 जून में रिजल्ट आ गया था और 22 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इस बार पता नहीं एनटीए क्या काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में ज़्यादा बुरा वाला बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, आप खुद बोलते रहिए एनटीए ऐसा वैसा है, उनको जो करना है वही करेंगे। तो अभी हाल ही में एक अपडेट थी छोटी सी कि 29 अक्टूबर को में एक अपडेट आई थी शाम को, एक नोटिस जारी किया था, नोटिस ये दिया था कि 12 बजे तक 30 तारीख तक आप फाइनल आंसर की यानी 30 अक्टूबर तक आप को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी अपलोड नहीं। ठीक, लेकिन वो डाउनलोड करने का मौका भी नहीं आया और एक घंटे बाद लगभग वो नोटिस वहाँ से हट गई, नोटिस ख़त्म हो गई। ठीक, अब वो नोटिस हो सकता था, शायद ऐसा होता कि कई बार वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं आ पाई और हो सकता है कि 24 घंटे लगते हैं अपडेट होने में उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो 24 घंटे बाद बच्चों ने वेट भी किया काफ़ी, 30 तारीख शाम तक हो गई, 31 शाम हो गई, आज भी ठीक, आज एक नवंबर हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है अब आपका फाइनल रिजल्ट ही आएगा, वो हो सकता है आज शाम तक हो, कल शाम तक हो, लेकिन रिजल्ट आपका 2-3 दिन में 100% आ जाएगा, अब ज़्यादा वेट नहीं होगा। ठीक है, चूँकि वो मैं समझता हूँ कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो थोड़ी देर के लिए फाइनल आंसर की आने का एक मौका दिखा, मुझे थोड़ी सी एक अपडेट आई, लेकिन वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अगर वो अपडेट दोबारा देते तो 24 घंटे में अपडेट दे देते, तो अब वो नोटिस मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, अब डायरेक्ट आएगा तो रिजल्ट ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब रिजल्ट अगर आएगा तो उसमें क्या क्या होगा। देखिए, एक्चुअली जब आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर वन डे एग्ज़ाम होता है तो आपके मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं, रैंक आती है, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम कई सारे शिफ्ट में होते हैं तो वहाँ पर परसेंटाइल बेस पर आपका रिजल्ट आता है। परसेंटाइल बेस कैसे रिजल्ट आएगा, सेम जेई मेंस, जैसे देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स पीसीएम का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होगा, अगर स्टूडेंट्स पीसीबी का है तो पीसीबी होगा,
हो सकता है पीसीए स्टूडेंट्स है या फिर एसीबी है, एसीबी है ठीक, एसीबी क्योंकि तीन लोगों ने एग्जाम दिए हैं पीसीबी, मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर ग्रुप। जब रिजल्ट आएगा तो आपको हर एक सब्जेक्ट में परसेंटेज दिया रहेगा कि हो सकता है मेरा पेपर, मान लीजिए मैं 16 अक्टूबर मैंने पेपर दिया था, नहीं नहीं 16 सितंबर सॉरी ठीक है, तो 16 सितंबर वाला पेपर सभी को पता काफ़ी टफ था। अब 16 सितंबर वाले पेपर मान लो फिजिक्स में टफ है, तो हो सकता है हमारे यहाँ पर केवल जो है 55 मार्क्स आए ठीक, हो सकता है केमिस्ट्री कुछ अच्छा हुआ तो यहाँ पर 65 मार्क्स हों। इन सब्जेक्ट में कोई भी आप मार्क्स मान लीजिएगा, मान लें यहाँ पर अच्छा पेपर हुआ है तो हमारे यहाँ पर हो सकता है 70% मार्क्स हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपको परसेंटेज मिलेंगे और इसको, इन जो परसेंटेज दिए जाएंगे इनको नॉर्मलाइज किया जाएगा, एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन ठीक। अब इन सभी मार्क्स को नॉर्मलाइज करके यहाँ पर परसेंटाइल आपका निकालेंगे कि इतना परसेंटाइल आया। अब यहाँ पर मान ली नॉर्मलाइज करने पर आपका जो परसेंटाइल बना है टोटल परसेंट, देखिए सब्जेक्ट का परसेंटेज अलग दिया रहेगा और टोटल सब्जेक्ट का परसेंटाइल मान लो यहाँ पर आया उसका कि 95% आ रहा ठीक। सभी नंबर को नॉर्मल करके मान लिया कि इनका टोटल जो परसेंटेज है वो 95% आ रहा, एक ये इस प्रोसेस के थ्रू ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ठीक, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पर मान ली इसकी अगर प्रोसेस अगर जरूरत पड़ी तो हम बना देंगे, हालांकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, लेकिन आपका जैसे जेई मेंस होता है तो यहाँ भी ऐसे प्रोसेस होगा ठीक। अलग अलग सब्जेक्ट के आपके परसेंटेज मार्क्स होंगे, हो सकता है पेपर आपका सिंपल हो तो यहाँ पर आपके मार्क्स कुछ ज़्यादा होंगे, तो मान लीजिएगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके हमारा 95% मार्क्स आपका आ गया। अब मान लीजिएगा यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स कितना एग्जाम दिया हुआ है, हो सकता है कि आपने एग्जाम आपका 1 लाख बच्चों दिया है ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब 1 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं वहाँ माली, अब 95% आपका टोटल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आया है परसेंटेज ठीक परसेंटेज, तो हो सकता है यहाँ पर आपकी जो रैंक है वो 5,000 रैंक हो और रैंक के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है एडमिशन होता है आपको पता है। तो इस तरीके से अलग अलग परसेंटाइल पर अलग अलग आपकी कट ऑफ रैंक होगी, तो इस तरीके से आपको क्या आएगा, एक तो परसेंटाइल आपके एक तरफ आएंगे, एक तरफ आपकी क्या आएगी रैंक आएगी, इस तरीके से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा ठीक है। ऐसा मानना चूंकि अभी ये अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं था और अभी तक ये शायद किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा कि नहीं होगा कि ऐसा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से जेई मेंस का एग्जाम होता है उसमें कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं और जब एग्जाम कई शिफ्ट में होता है तो पेपर सिंपल भी होता है टफ भी होता है, तो जो पेपर टफ होता है उसको नॉर्मलाइज करके सिंपल के इक्वल ले जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने एब्सेंट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जितना परसेंटाइल बनेगा उस परसेंटाइल पर उस रैंक बना देते हैं ठीक। तो चूंकि आपका आपकी जो कंबाइंड रैंक है आपकी ये यूजी कंबाइंड रैंक आएगी, अब यहाँ पर जो कंबाइंड रैंक आएगी उस कंबाइंड रैंक से पता चल जाएगा कि हमें कहाँ तक सिलेक्शन हमारा होगा ठीक है। तो ये एक कॉमन सा फिनोमेना होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना जरूरत नहीं है, जो रिजल्ट आपका आएगा इसी बेस पर रिजल्ट आपका मिलेगा ठीक। अभी तक जो रिजल्ट आता था अभी 2018 में या फिर इसके पहले देखा जाए 19 में भी, चूंकि 19 में आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था लेकिन वन डे एग्जाम था, तो वहाँ पर जब वन डे एग्जाम होता है तो केवल आपके नंबर आते हैं और आपकी रैंक आती है ठीक है। तो ये सारी सी बहुत सारी बातें थी छोटी सी वीडियो के लेकर के हमने यहाँ पर इसमें चीज़ों में चर्चा किया है ठीक है। अब हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग बात करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप ये बात करें सर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट हो सकता है आपका 2 दिन में मिल जाए, आज शाम भी हो सकती है, जैसे NTA वाले कहते हैं वैसे हम भी कहें क्या करेंगे, मजबूरी है, अगर हम बोल देंगे रिजल्ट आपका 2 दिन में आ जाएगा तो कुछ बच्चे यही बात करेंगे सर आपने कहा था कल तक आ जाए कल तक नहीं आया। किसी भी यूट्यूबर कोई कमी नहीं है, हर किसी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, मैं तो पहले बोलता था हो सकता शायद 20 से लेकर 20-25 तक आ जाए, लेकिन बच्चों ने काफ़ी सवाल किया सर आपने कहा 25 तक आएगा लेकिन नहीं आया रिजल्ट, तो हर किसी का अपना अपना एक अनुभव होता है, अनुभव में सब लोग काम करते हैं, इसमें कोई वो दोहराई नहीं है ठीक है। तो बात बाकी सब ठीक है और आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, रिजल्ट आएगा तो 100% जो है आप सक्सेस होंगे और हम इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग जो NTA की वेबसाइट है ICRNTA.NIC.IN पर भी कॉन्टैक्ट करते रहें, उसको देखते रहें, अपडेट अगर होगी तो हम लोग वीडियो में आपको चर्चा करेंगे ठीक है। थैंक यू।